नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम आशीष कुमार। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात कर रहे हैं यूपी टेट प्राइमरी, जो आपका पेपर हुआ था प्राइमरी का, उसके संपूर्ण हल के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं मेरे पास जो सेट है वो सेट ए है। ठीक है, तो दोस्तों इसके जो 150 क्वेश्चंस थे, हम उनको सभी की पूरी मतलब सभी का आंसर जानेंगे क्या आंसर था। ठीक है, और साथ में हम उन क्वेश्चंस को भी जानेंगे जो डाउटफुल है और जिन पर मतलब ऑब्जेक्शन आपका जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दीजिए, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आने वाले रेड कलर के बटन सब्सक्राइब कर लें, साथ में आने वाले बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे कि चैनल पर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सेट ए में सबसे पहले आपका बाल विकास एवं शिक्षण विधि था, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन पूछे गए। तो दोस्तों, हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि स्तंभ ए तथा स्तंभ बी की सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों, इसके अनुसार हम देखेंगे कि एनिमल इंटेलिजेंस का तो वो दिया था अपना थार्नडाइक ने। ठीक है, उसके बाद आपका पुनर्वलम जो दिया था वो आपका स्किनर ने दिया था। ठीक है, और आपका उसके बाद सार गर्भता का नियम जो दिया था वो गेस्टॉल ने दिया था, और अनुकूलन का जो नियम दिया था वो आपका प्याजू ने दिया था। तो उसके हिसाब से जो ऑप्शन बैठता है, ऑप्शन ऑफ थर्ड आपका सही बैठता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कभी विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किस विकास के सिद्धांत को सम्मान देता है। तो यह है आपका निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन थर्ड इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे थर्ड, संविधान के अनुच्छेद से शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया, तो इसको है 86वां संशोधन, ऑप्शन टू सेकंड सही मतलब इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करेंगे चौथे की, अभिप्रेरण के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपाद थे, तो इसका था मैकड्यूबल, ऑप्शन सेकंड सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, विकास के किस अवस्था को कॉल और ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है, तो इसे है बाल अवस्था, तो ऑप्शन ए इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है, तो इसका आंसर होगा वो गार्डनर, ऑप्शन थर्ड इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन, डिस्लेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है, तो इसका आंसर है पढ़ने व वर्तनी, ऑप्शन सेकंड इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है, तो वह है शिक्षक को निश्चित बच्चों पर ध्यान देने ही देना चाहिए, तो ऑप्शन ए इसके सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, कक्षा में छात्रों के लिए प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम टेन की, बच्चों की मुख्यता वृद्धि मुख्यता संबंधित है, वो है शारीरिक विकास है, तो ऑप्शन सेकंड इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम न्यूज में किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं, तो इसका जो आंसर है वो है आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ऑप्शन थर्ड इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी अवस्था बुर्नर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का अंग नहीं है, तो वो है आपका आंत प्रग अवस्था, ऑप्शन सेकंड इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, मॉर्सिन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, तो इनका एक क्रम लगाना था, तो क्रम के अनुसार सबसे पहले आपका आएगा खोज, ठीक है, नंबर दूसरे पर आएगा आपका प्रस्तुतिकरण, ठीक है, इसके बाद आएगा आपका आत्मीकरण, उसके बाद आएगा आपका संगठन व्यवस्था, उसके बाद आएगा आपका वाचन, ठीक है। तो कहने का मतलब इसके अनुसार जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सेकंड फर्स्ट आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र में संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर है आपका अनमूल्य, ऑप्शन सेकंड सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है, तो यह आपका लंबवत, ऑप्शन फोर्थ इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि शिक्षक कक्षा में छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे बच्चे को परामर्श देना चाहिए, ऑप्शन फोर्थ इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, पाठ सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है, तो छात्र के सर्वांगीण विकास से, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, निम्न में किसने अधिगम सिद्धांत को प्रतिपादन नहीं किया है, तो इसका आंसर है आपका बीएस ब्लूम ने, तो ऑप्शन फोर्थ इसका सही है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, तो 19 है कि शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है,
तो इसका जो आंसर है, किसी बालक को एक वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, तो ऑप्शन थर्ड इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20, निम्नलिखित किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है, तो इसका आंसर है प्रस्तावना कौशल, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम, मानव विकास का प्रारंभ होता है तो यह है आपका गर्भावस्था से, ऑप्शन सेकंड इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका जो आंसर हुआ है आर एम गेने, ऑप्शन फोर्थ इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, किशोर अवस्था बड़े संघर्ष तनाव हमला विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है, तो इसका कथन जो है वो है आपका स्टेनली हॉल का, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 24 की, सूक्ष्म प्रेक्षण के भारतीय प्रतिमान कुल कितना समय लगता है, तो वह है 36 मिनट, ऑप्शन सेकंड इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 25 की, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, यह कथन किसका है, तो यह कथन है आपका गेट्स व अन्य का, तो ऑप्शन सेकंड इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन की अधिगम है, मतलब क्वेश्चन नंबर 26 है, इसका जो आंसर वो है गिलफर्ड, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है। नेक्स्ट आपका एक सूची दे रखी थी, सूची ए तथा बी को सम्मिलित कीजिए, तो इसके हिसाब से पहले का जो था वो चौथा होगा, ठीक है, उसके बाद दूसरे का आपका थर्ड होगा, ठीक है, और इसमें फिर तीसरे का जो है वो आपका पहला होगा, ठीक है, और चौथे का आपका होगा आपका सेकंड, ठीक है, तो इसके हिसाब से जो बनेगा आपका वो बनेगा ऑप्शन सेकंड, चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा, ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, समस्या समाधान का प्रथम चरण है, तो इसका ऑप्शन ए समस्या की पहचान, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 29, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब बालकों का संज्ञात्मक भावात्मक मनोचालक पक्षों का विकास होगा, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 30, स्मृति स्तर एवं बौद्ध स्तर के शिक्षा प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान अवयनिष्ठ है, तो इसका जो आंसर है वो आपका सामान्यीकरण, ठीक है, तो ऑप्शन इसका सेकंड सही है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके बाल विकास के क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन, इसके बाद हम देखेंगे हिंदी के 30 क्वेश्चन, तो दोस्तों अब क्वेश्चन बात करेंगे हिंदी के 30 क्वेश्चन की, ठीक है, तो इसमें हिंदी में जो आप थी 31 से लेकर 60 तक इसमें 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसमें 31 क्वेश्चन है आपका, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ नियोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32, ऋजु का विलोम शब्द है, तो वो है वक्र, ऑप्शन फोर्थ इसका सही है। नेक्स्ट 33, निम्न में से विकल्प में किस विकल्प को विशेषण का निर्देश अशुद्ध है, तो वो है आपका ऑप्शन फोर्थ, वह नौकर कोई विशेषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है कि आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम का भेद है, तो वो है आपका निच व निच सर्वनाम, तो ऑप्शन सेकंड इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम 35 कि निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपका डाउट है सबसे, क्योंकि इसमें आपका चील भी पुल्लिंग है और सरसों भी पुल्लिंग है, आप गूगल करके देख सकते हैं, तो इसमें दोनों ही ऑप्शन सही है, तो हो सकता है कि इसमें आपको सभी को एक नंबर मिले, या फिर जिसने चील या सरसों किया है तो उसको एक एक नंबर दिया जाए, ठीक है, क्योंकि दोनों ही ये पुल्लिंग है, ठीक है। इसका प्रूफ मैं इसकी मतलब इसका जो प्रूफ है वो मैं अगली वीडियो में दूंगा आपको, ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, प्रकाशन की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं का सही क्रम है, तो सबसे दोस्तों इसमें सबसे पहले आपकी मधुशाला, फिर मधुवाला, मधुकलश, फिर निशा निमंत्रण, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 37, स्मृत कीजिए, तो हिंदी साहित्य सम्मेलन तो 1910 में हुआ था, उसका काशी नागरिक प्रशासनिक सभा 1893 और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा 1918 में, दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन थर्ड आपका सी ए बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे तुलसीदास रचनाकार है, तो वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन फोर्थ इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम अन्या से अन्याय अन्या आत्मकथा किसकी है, तो ये है आपकी प्रभा खेतान, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम 40 की, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है, तो ये है आपका रैदास, ऑप्शन थर्ड इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, राम आम खाता है वाक्य में वाच्य है, तो ये है आपका
कृतवाच्य, ऑप्शन थर्ड इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इस दोहे में अलंकार है तो वो है आपका श्लेष अलंकार, ऑप्शन थर्ड इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शब्द अशुद्ध है। तो दोस्तों इसमें भी आपका कंफ्यूजन है लेकिन मेरे हिसाब से जो होगा वो अंगना होगा, ठीक है। और इसमें अंक भी कहीं कहीं पर अंक भी सही दे रखा है कि किसी किसी किताब में अंक भी सही दे रखा है और मोस्ट ले गए लेकिन अंगना सही दे रखा है, तो मेरे में अंगना होगा लेकिन इस क्वेश्चन में डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 44 में, निम्न में किस शब्द की बर्तनी सही है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड सन्निधि, ठीक है। और किसी किसी जगह पर आपका सन्निधि भी दे रखा है, ऑप्शन थर्ड भी दे रखा है, ठीक है। तो इसमें डाउट है लेकिन मेरी नजर में जो आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड सन्निधि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, औपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है तो समस्याओं के कारण की सही पहचान पर, ऑप्शन फोर्थ इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 46, घोंसले में चिड़िया है कौन सा कारक है, तो इसमें अधिकरण कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था 47 और 48 का जो आंसर देना था वो हमें पैराग्राफ पढ़ के देना था, तो दोस्तों आप इस पैराग्राफ को आपने पढ़ा होगा तो उसका मैं सही आंसर बता देता हूँ। उसका सही आंसर होगा कि उपरोक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे बात सीमित है तो वो राजनीतिक क्षेत्र में, तो ऑप्शन सेकंड इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, उपरोक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया, तो वह राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों को, तो ऑप्शन सेकंड इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, कनुप्रिया की रचनाकार है तो वह धर्मवीर भारती, ऑप्शन सेकंड इसका सही है। नेक्स्ट है प्लुत स्वर कौन सा है, तो वह ओम, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न कौन सा तद्भव है, तो वो है आपका खेत, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है। नेक्स्ट है आपका 52, निम्न कौन सा देशज है, तो वो है धड़ाम, ऑप्शन सेकंड इसका सही है। नेक्स्ट छचूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है, तो अयोग व्यक्ति की अच्छी चीज देना, मतलब ऑप्शन सेकंड इसका सही है। नेक्स्ट है आपका ऋग्वेद का संधि विच्छेद है, तो उसका ऑप्शन फर्स्ट सही है, ऋग प्लस वेद, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप बीती में शब्द में समास है, तो वह तत्पुरुष समास, ऑप्शन थर्ड इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 56 की, तो इसमें भी हमें एक पैराग्राफ दे रखा था और उस पैराग्राफ को पढ़कर हमें आंसर देना था, ठीक है। तो ये आपका पैराग्राफ दे रखा था, मैं आंसर आपको बता देता हूँ, इस पद्धांश में कौन सा रस है। तो दोस्तों इसमें आपका बात्सल्य और श्रृंगार रस दोनों है लेकिन आंसर जो जाएगा वो आपका श्रृंगार रस के लिए जाएगा, ठीक है। इसमें कसम थोड़ा थोड़ा इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है। तो आपकी नजर में जो आंसर सही है वो आप मुझे बताएं, ठीक है। मेरी नजर में जो होगा वो श्रृंगार रस होगा। नेक्स्ट है आपका उपरोक्त पद किस कवि का है, तो वह है तुलसीदास का, ऑप्शन फोर्थ इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है, तो यह है आपका सा दंत है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 59, इसका जो पूछा है निम्न कौन सा अशुद्ध है, तो वो है आपका दो महापुराणों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, ऑप्शन सेकंड इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, बाकी में लड़के में कौन सा विकल्प अशुद्ध है, तो यह है आपका ऑप्शन फोर बहुवचन, ठीक है। तो ये तो रहे दोस्तों हिंदी के 30 क्वेश्चन, ठीक है। अगर इसमें किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी इंग्लिश के क्वेश्चंस की, तो दोस्तों यहां से 61 से लेके आपके 90 तक इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस दिए गए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 61, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज ग्रामेटिकली करेक्ट, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑल दीज मैन आर जेंटिल, ऑप्शन थर्ड इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 62 की, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, तो ही केम टू एट मिडनाइट, ऑप्शन सेकंड इसका सही है, एट आएगा आपका इसमें। नेक्स्ट है 63, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डज नॉट हैव ए एडजेक्टिव क्लॉज, तो इसका सही आंसर है वो है आपका आई मीट हैम वेयर ही लिव्ड, ऑप्शन आपका फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 64 की, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन ही जूनियर टू मी, ऑप्शन आपका फोर्थ इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 65 की, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कंजंक्शन, तो आइदर इज मेट और इसमें आएगा ऑप्शन और, मतलब ऑप्शन आपका फोर्थ इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 66 की, 66 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज पैसिव वॉइस, तो यह है आपका माई वॉच वाज लॉस्ट, ऑप्शन फोर्थ इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे Which of the following alternative is the correct passive voice from the following sentence? तो होगा आपका do it दे रखा है, इसका passive voice पूछा तो होगा let it be done, option 4 इसका सही है। Next question बात करेंगे 68 की,
तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल, तो इसका होगा क्राइटेरिया ऑप्शन फोर्थ इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 69 की, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज इन प्लूरल, तो इसका होगा माइस ऑप्शन सेकंड इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 70 की, 70 है आपका, ही वॉज एन ऑर्फन एंड लिव्ड विद हिज अंकल, इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द वर्ड ऑर्फन, तो ये होगा आपका कॉमन जेंडर ऑप्शन आपका फर्स्ट इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज पास्ट परफेक्ट, तो आप जानते हैं पास्ट परफेक्ट में हैड का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन सेकंड इसका सही है। आई हैड रिटन माय लेटर बिफोर द अराइव, ठीक है, बिफोर ही अराइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल, नील आर्मस्ट्रांग वाज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है, दोनों में आपका द आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, द टीचर हैज बीन टीचिंग फॉर एन हावर, ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका सही है, एन आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, एट द राइट सफिक्स टू प्लूराइज द वर्ड ऑक्स, तो ऑक्सन का जो होगा ऑक्सन ऑप्शन ऑक्सीन मतलब ई एन आपका जुड़ेगा इसमें, तो ऑप्शन थर्ड इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चेंज द वर्ड ग्रो इन टू ए नाउन बाई एडिंग वन ऑफ द सफिक्स गिवन ब्लो, तो इसमें जो आपका सफिक्स जोड़ा जाएगा वो होगा आपका ग्रोथ मतलब टी एच, तो ऑप्शन सेकंड इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 76 की, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब फेमिनाइन जेंडर, तो फेमिनाइन जेंडर होगा वो है आपका ऑप्शन थर्ड, ऑल द फीमेल मेंबर हैव अराइव्ड, ऑप्शन थर्ड इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, पूछा है हमसे, द मेथड ऑफ टीचिंग इन विच द टीचर ट्राइज टू एस्टेब्लिश ए लिंक बिटवीन द फॉरन लैंग्वेज वर्ड एंड ऑब्जेक्ट विदाउट एन इंटरफेयर ऑफ द लर्नर मेथड टंग इज कॉल्ड, तो दोस्तों इसमें कहीं कहीं पे आंसर जो है वो आपका बिलिंगुअल दे रखा है, ठीक है, नहीं, और कहीं कहीं पर आपका डायरेक्ट, तो मेन एयर में जो आंसर होगा वो होगा डायरेक्ट मेथड, ऑप्शन थर्ड इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 78 की, 78 है, इफ यू आर टेस्टिंग योर स्टूडेंट्स कंपैरिजन ऑफ रिटेन इंग्लिश, यू आर टेस्टिंग देयर अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे हैव जस्ट, तो उसका आंसर आएगा रीड, ऑप्शन सेकंड इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 79 की, चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो उसका करेक्ट सेंटेंस होगा प्लीज लिसन टू योर टीचर, ऑप्शन थर्ड इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आई डोंट बिलीव हिम, ऑप्शन थर्ड इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 81 की, तो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो वो है एफ, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 82, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, हिज थ्रस्ट फॉर नॉलेज लेफ्ट नो लीजियर फॉर एनीथिंग एल्स, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आपका फोर्थ सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 83, द वर्ड फास्ट इज सेंटेंस, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एन एडजेक्टिव, ऑप्शन फोर्थ इसका सही है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंपल सेंटेंस, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट शी रीड्स व्हाट शी लाइक्स, ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, द सेंटेंस ही विल बी प्लेइंग द पियानो इन द कंसर्ट जेम डे आफ्टर टुमारो इज एन, तो यह है आपका फ्यूचर इन इम्परफेक्ट टेंस, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 86 की, दोस्तों इसमें 86 में एक पैराग्राफ दे रखा था, ठीक है, तो पैराग्राफ आपने पढ़ा होगा तो मैं सीधे इसके आंसर बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर था 86, द वर्ड स्ट्रेंथ इज, इसका आंसर आएगा वो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 87 की, वन हु डज नॉट टेक रिवेंज इज, उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग मैन, ऑप्शन सेकंड इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, तो ये भी एक पैराग्राफ दे रखा था, तो इस पैराग्राफ को आपने पढ़ा होगा तो मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। आंसर नंबर 88 का है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अनट्रोडन, तो इसका आंसर होता है आपका अनएक्सप्लोर्ड, ऑप्शन थर्ड इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, आइडेंटिफाई द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच यूज द सेकंड स्टेंजा, तो इसका जो आंसर है वो होगा सिमिली, ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 90, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज आर करेक्ट, तो जो है ओनली सी कहने का मतलब ये ऑप्शन आपको मतलब ये वाला सही है, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन सेकंड सही होगा, ओनली सी, ठीक है। तो दोस्तों मैथ के क्वेश्चन जो थे सेट ए में वो 91 से लेके 120 तक दे रखे थे, तो दोस्तों इसमें जो पहला क्वेश्चन था वो है आपका, यदि ए प्लस बी अपॉन सी बराबर बी प्लस सी अपॉन ए
बराबर सी प्लस ए अपॉन बी बराबर के, तो के का मान होगा वो ऑप्शन सेकंड सही होगा, ऑप्शन मतलब के बराबर 2 आएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं केवल मैं अभी इसमें ऑप्शंस बता रहा हूं कि कौन से सही है, लेकिन इसका जो हल है वो मैं अगली वीडियो में लेके आऊंगा किस तरीके से हल किया जाता कि इनका आंसर बिल्कुल सही आता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं आपकी 92 की। निम्न में से 3 मापों को लेकर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, भुजाओं की माप 1.2, 4.2 और 5.9 और 8.1 है। तो मेरी नजर में जो इसका आंसर होगा वो फोर्थ होगा। ठीक है, अगर आपको अगर दूसरा आंसर लगता है इसमें के कोई दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 93 की। एक भिन्न का हर अंश के दोगुने से एक अधिक है, अंश में 2 जोड़ने और 3 घटाने पर संख्या 1 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न क्या होगी। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका फोर्थ है, 4/9। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका सही है। नेक्स्ट है आपका 94, सरल कीजिए। तो दोस्तों इसको सब सरल किया जाता है, इसका आंसर जो आता है वो आता है आपका -5। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 95 की। यदि मासा 1.8 का मासा 4 दे रखा है और लासा दे रखा है 24, तो इसका A का मान होगा, तो इसका जो हम जब इसे अमल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 12। ऑप्शन सेकंड इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे इसकी 96 की। किसी आयताकार खेत का विकर 17 मीटर और परिमाप 46 मीटर, तो खेत का क्षेत्रफल होगा, तो इसका होगा आपका 120 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सेकंड इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 97 की। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 दे रखा है 2^-1^-1, तो सरल करेंगे तो एक आवाज संख्या मिलेगी, एक सम संख्या भी मिलेगी और 2 का गुणांक भी होगा। कहने का मतलब इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन थर्ड ABC। ठीक है, ऑप्शन थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 98 की। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो यह एक भाज्य संख्या विषमभुज हो सकती है, तो मतलब ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 99 की। एक बहुभुज के अंतःकोणों का अंतर 60 है, तो बहुभुजों की संख्या, तो इसका आंसर आएगा 6। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 100। एक सरलरेखा में बिंदुओं की संख्या हो सकती है, तो असंख्य, ऑप्शन थर्ड इसका सही है। एक त्रिभुज या गार पेज में कितने शीर्ष हो सकते हैं, तो हो सकते हैं 6। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 102। 10 रुपए के 6 की दर से केले खरीदकर 6 में 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत हानि होगी, तो आंसर जो आएगा वो 10% हानि होगी, ऑप्शन थर्ड इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 103 की। रिक्त स्थान के लिए कौन सा विकल्प सही है, तो दोस्तों 1 ग्राम में हमें किलोग्राम पूछे थे, तो 1/1000 भी होते हैं और 1/1000 को हम ले सकते 10^-3 किलोग्राम, तो ऑप्शन मतलब ए और बी जो ऑप्शन आपका जो है फर्स्ट इसमें सही है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 4, 0.01 का स्क्वायर का प्रतिशत के रूप में क्या होगा, तो इसमें ए भी सही होगा और आपका डी भी सही होगा। कहने का मतलब ऑप्शन जो आएगा वो ऑप्शन फोर्थ A, D। ठीक है दोस्तों, बता दूं इसका हल जो है मैं अगली वीडियो में लेके आऊंगा कि उन्हें हल कैसे करेंगे, मतलब इसका सॉल्यूशन जो है वो अगली वीडियो में लाने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को भी देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, यदि 2 संख्याओं का अंतर वर्णफल क्रमशः 5 और 36 है, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर होगा, तो वो आएगा 5/36। ठीक है, ऑप्शन इसका थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 106। एक आयत की लंबाई 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करने की, उसका आयत का क्षेत्रफल ना बदले, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 37.5। ऑप्शन फोर्थ इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम 107 की। एक घन का आयतन संख्या तो उसकी भुजाओं की लंबाई और योग के बराबर है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग इकाई होगा, तो ऑप्शन ए इसका सही है, 72। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की। 2008 में अमित का वेतन 1,26,500 है, वर्ष 2016 में उसका वेतन प्रतिवर्ष 10% 15% बढ़कर 2018 तक पहुंच गया, 2016 का उसका वेतन कितना था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, 1,00,000 रुपए। ठीक है दोस्तों, बात करें क्वेश्चन नंबर 109 की। 2 संख्याओं का महत्व समापवर्त 6 और लघुत्तम समापवर्त 432 होते, एक संख्या 48 दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, दोस्तों इसको हल करेंगे तो आंसर आएगा आपका 54। ऑप्शन फोर्थ इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 110 की। एक महीने का तीसरा शुक्रवार 16वीं तारीख को पड़ता है, तो उसी महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा, तो वो पड़ेगा 27 तारीख को। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 है। एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए कि सबसे छोटी संख्या 8 है, तो दोस्तों इसका सही आंसर निकलेगा वो ऑप्शन सेकंड, 8, 15 और 17। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 112 की। जेड का मान ज्ञात कीजिए संख्या 417z89 से विभाजित, सीधे सीधे इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन फर्स्ट 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 113 की। यदि
21160 बराबर है 2 एक 2 की पावर a 3 की पावर b 5 की पावर c, तो 3 की पावर a 2 की पावर माइनस b 5 की पावर माइनस c का मान ज्ञात कीजिए। इसको जब सॉल्व किया जाता है आंसर आएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट 81/40। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 14 पास आकृति द्वारा ज्ञात करें कि x का मान है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सेकंड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 115 की। क्वेश्चन नंबर 115 है आपका, किसी बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है, कि इसका आंसर जो है वो आप क्लियर नहीं हुए, क्योंकि आपका आवर्ती बहुवच द्वारा भी क्या कहते हैं आपका बंटन बहुलक प्राप्त होता है, और अगर हम बहुलकों का आयत चित्र निकाल दो उससे भी उत्तर प्राप्त हो जाता है। तो इसमें डाउट है, अगर आपके नजर में जो उत्तर सही है उसे मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कमरे की लंबाई 10% घटाई जा गई और चौड़ाई 20% घटाई गई जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई, तो इस प्रकार कमरे में आयतन में कितने प्रतिशत की परिवर्तन होगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 24.4, मतलब ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, किसी कमरे में 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ी फर्श पर लगाई जाने वाली वर्गाकार टाइलों का न्यूनतम संख्या होगी। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर में भी इसमें डाउट है, ठीक है, आपकी नजर में जो सही है वो बताइए, मेरी नजर में जो सही होगा वो आपका 841, ठीक है, ये आंसर आना चाहिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 118 गुणनफल हमें रखा है 53 की घात 167 में इसका इकाई का अंक होगा, तो इसका इकाई का अंक होगा वो होगा 7, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, यदि एक भिन्न के अंश को 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाती है, भिन्न ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर आएगा वो होगा आपका ऑप्शन सेकंड 5/8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, 8 से भाज्य है, तो 8 से भाज्य आपकी जो है वो है आपकी पहली संख्या और आपकी थर्ड संख्या, कहने का मतलब इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन फोर्थ सही होगा, फर्स्ट एंड थर्ड। तो दोस्तों ये तरह मैथ के आपके 30 क्वेश्चन के आंसर। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके ईवीएस के क्वेश्चन के बारे में, तो देख लेते हैं। तो दोस्तों ईवीएस के जो क्वेश्चन थे यहाँ पर 121 से लेकर 150 तक पूछे गए थे, ठीक है, मैं बता दूं ये सेट आपका ए है, ठीक है, तो सेट ए में जो क्वेश्चन था आपके ईवीएस 121 से स्टार्ट हुए थे, मतलब सभी में हुआ था सेट में 121 से स्टार्ट, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन थे आपके सेट ए के, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो है आपका, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार उतरा जैसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, तो वो है आपकी जलकुंभी, मतलब ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21-22, बारिश के अजैविक होने का कारण, तो इसका जो आंसर है वो आपका यह, इसको क्रिस्टल रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, तो ऑप्शन फोर्थ इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 123, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है वो है आपका इथाइलिन, ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 124, स्वतंत्र रूप से भूमि रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, तो दोस्तों इसमें आपका क्वेश्चन में मतलब ये डाउट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि इसमें आपका ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों ही आपके ऑप्शन सही है इसमें, इसका प्रूफ मैं आपको जल्दी ही दूंगा, ठीक है, तो ये आपका एक डाउट का क्वेश्चन, डाउट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें आपने अगर इसमें से जो किया है, लेकिन मोस्टली जो आंसर्स हैं आपके वो राइवेजियम बता रहे हैं, लेकिन मैंने पढ़ा है इसमें, तो इसमें हम दोनों ही ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 26 की, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है, वो होता है आपका बी डीएनए, ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, सन 1853 में पहली बार यात्री ट्रेन चली थी, जो थी मुंबई से ठाणे के बीच, ऑप्शन सेकंड इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 127 की, एशिया का सबसे बड़ा मेला आयोजित होता है, तो वो होता है ऑप्शन सेकंड सोनपुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी, तो ऑप्शन सेकंड सही है, 1961 में हुई थी। नेक्स्ट है आपका, समता का अधिकार का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में मिलता है, तो समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक मिलता है, तो ऑप्शन सेकंड सही है। किस देश का लचीला संविधान है, तो वो है आपका यूनाइटेड किंगडम का। दोस्तों बहुत से लोगों ने आपको भारत बताया होगा, लेकिन आपका यूनाइटेड किंगडम का संविधान वो अलिखित संविधान है, तो इसमें आपके परिवर्तन आसानी से हो जाते हैं, लेकिन भारत के संविधान में आपका लचीला कह सकते हैं, लेकिन इसमें जो संशोधन होते हैं वो उसकी बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, तो इसमें संशोधन आसानी से नहीं हो सकते, लेकिन यूनाइटेड किंगडम का जो संविधान है वो अलिखित है, तो उसमें आपके आसानी से उसमें आपका बदलाव हो जाता है, तो इसलिए इसका सबसे लचीला संस्थान जो है वो यूनाइटेड किंगडम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131,
पूर्वा किस अधिवास में शामिल है, तो वह ग्रामीण में, ऑप्शन सेकंड सही है। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है, तो वह आपका किलिमंजारो, ऑप्शन फोर्थ आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एलिफेंटा द्वीप स्थित है, तो वह मुंबई तट, ऑप्शन फर्स्ट का सही है। दोस्तों यह मानसूनी बल पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में भी डाउट है, क्योंकि मानसूनी वर्षा मतलब मानसूनी बल जो पाए जाते हैं वहां पर जो वर्षा होती है वो 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। लेकिन इसमें यहाँ पे 100 से 200 तक कोई भी आपका ऑप्शन नहीं दे रखा है। अगर ऑप्शन हुआ तो इसमें से अगर आप इसकी मिड में देखें तो आपका ऑप्शन सेकंड और थर्ड आता है, तो इसमें से अगर दे सकते हैं तो दोनों में से कोई सा आंसर आपका सही हो सकता है। लेकिन मेरी नजर में ये क्वेश्चन जो डाउट है, क्योंकि मैंने पढ़ा है 100 से 200 सेंटीमीटर जहां वर्षा होती है वहां पर मानसूनी वन पाए जाते हैं। तो देखते हैं आयोग कौन सा ऑप्शन में क्वेश्चन आंसर जो है ऑप्शन जो सही करता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका कार्वी एलमोन पठार स्थित है, तो प्रायद्वीप का पठार, ऑप्शन इसका थर्ड इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के में महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था कहाँ है, तो वह पंचायती राज संस्थाओं में, ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका किसी राज्य के राज्यपाल नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए, तो वह 35, ऑप्शन थर्ड इसका सही है। नेक्स्ट है आपका 38, इसमें हमें एक सूची दे रखी थी, ठीक है, तो सूची में आप देख सकते हैं भारतीय संघ का क्या होता है, आपका प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, राज्य का राज्यपाल होता है, ग्राम पंचायत का सरपंच होता है और नगर निगम का मेयर होता है। तो इसके जब आप मिलाएंगे तो ऑप्शन आपका सही निकलेगा ए सी डी बी, मतलब ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 139 की। दोस्तों 139 है अनुच्छेद 356 का प्रथम कब और कहां पर, मतलब प्रयोग जो है कब और कहां पर हुआ था। दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल ही डाउटफुल है, इसका जो मैं आंसर बता दूं, सबसे प्रथम जो सबसे पहले 1956 का जो प्रयोग हुआ था वो 1951 में पंजाब में हुआ था, ठीक है, तो इसका प्रूफ मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से इसमें ऑप्शन है ही नहीं, तो आपको इस सब इस क्वेश्चन का सभी को एक नंबर मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, केरल में हुआ था, फिर जम्मू कश्मीर में हुआ था, ठीक है, लेकिन इसमें सबसे पहले जो हुआ था वो पंजाब में हुआ था, लेकिन ये ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 140 का, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में भी डाउट है, क्योंकि चुंगी कर और गृह कर आपका नगर निगम द्वारा लगाया जा सकता है, इसका प्रूफ भी मैं दूंगा, लेकिन मनोरंजन कर जो है वो राज्य के द्वारा लगाया जाता है। तो दोस्तों आप इसमें दोनों ही सही है, तो इसमें उपरोक्त सभी भी आ सकता है, तो और इसमें चुंगी कर, देखते हैं आयोग इस क्वेश्चन का क्या करता है, मेरी नजर में ये क्वेश्चन डाउटफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होगा आपका 141, तो निम्नलिखित किस प्रदेश में रेंडियर पाए जाते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा टुंड्रा प्रदेश, ऑप्शन थर्ड इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है, तो वो है कंपास, ऑप्शन सेकंड इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जनसंख्या के आकार के अनुसार 72 महाद्वीप है, तो वो है एशिया, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में थारू जनजाति निवास करती है, दोस्तों ये भी क्वेश्चन एक डाउटफुल क्वेश्चन है, क्योंकि आपकी थार की जो जाति है आपकी उत्तराखंड और उत्तर के तराई क्षेत्र में, मतलब दोनों में ही पाई जाती है, इसमें दो ऑप्शन सही हैं। अब देखते हैं आयोग क्या करता है, यहाँ पर सभी को एक नंबर देता है, यहाँ पर जिन लोगों ने इन ऑप्शन जो ये ऑप्शन चूज किए हैं तो उनको एक नंबर देता है, ठीक है। तो ये दोनों इसका ही प्रूफ में आपको दूंगा, यहाँ पर आप गूगल पर जाकर थार जनजाति आप चेक करेंगे तो आपके दोनों ही आंसर आपको वहां पर दिख जाएंगे, ठीक है। तो विकिपीडिया आपको दोनों ही आंसर वहां पर शो करेगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका 145 ब्लाई इस्पात संयंत्र स्थित है, तो वो है छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन फर्स्ट सही है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा अचल जीव उदाहरण है, तो वो है आपका लीच, ऑप्शन सेकंड सही है। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन अड़ुओं की इकाई है, तो वह अमीनो फर्स्ट इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 148 में कौन सा अंग पादक कोशिकाओं में उपस्थित होता है, तो वो होता है आपका तारक काय, मतलब ऑप्शन फोर्थ इसका सही है। नेक्स्ट है आपका मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, ऑप्शन फोर्थ सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 150 उत्तर प्रदेश का राज पक्षी है, तो वह सारस क्रैन। तो ठीक है दोस्तों, यहां तक आपके 150 क्वेश्चन पूरे हो गए, ठीक है दोस्तों। और इसमें मैं आपकी इसकी अगली वीडियो में जो डाउटफुल क्वेश्चन उनका प्रूफ लेके आऊंगा, ठीक है। और दूसरी बात, इसके जो मैथ के जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन मैं लेकर आऊंगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आप अगर वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है आपको अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ में शेयर भी करें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ जरूर पसंद आई हुई। मिलते हैं अगली।